हेलो एवरीवन, यस ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। इज एवरी थिंग इज़ फाइन? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है सभी को? एक बार बता दीजिए फटाफट से। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? मुझे एक बार प्लीज़ थम्स अप देके बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है एकदम, देन वी विल स्टार्ट द सेशन। यस, इज एवरीथिंग फाइन? क्लियर है, क्लियर है। चलो, सो बात करेंगे आज मिनी मॉक टेस्ट की फिर से। इकोनॉमिक्स का मिनी मॉक टेस्ट, सबसे पहले लाइक शेयर कर दीजिए सेशन को ताकि मैक्सिमम लर्नर्स जो हमारे साथ जुड़ जाएं। देन वी विल स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन आज के सेशन का आपके सामने है जी। यस, हु डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज एंड गेव द फेमस एग्जाम्पल ऑफ डायमंड्स एंड वाटर। तो हमेशा यही कोशिश होती है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करें तो उस एक क्वेश्चन से हमारे मैक्सिमम कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो पाए, है ना। सो ज़रूरी मॉक टेस्ट में ये नहीं होता कि आपके कितने आंसर्स ठीक आ रहे हैं, ज़रूरी ये है कि उस मॉक टेस्ट वाली क्लास में या किसी भी एमसीक्यूज़ वाली क्लास में आप कितने कंसेप्चुअल चीज़ें समझ कर गए हैं, है ना। दैट इज़ द थिंग। सो इसका सही जवाब जो है ये बिल्कुल एडम स्मिथ है। सो आप सबको पता है कि वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज में क्या होता है। उसने एडम स्मिथ जो है उसने ये चीज़ जो है रियलाइज़ की कि जो पानी है वो उसका प्राइस कम है। हालांकि पानी तो लोगों को काफ़ी सेटिस्फेक्शन, पानी जो है उसकी डिमांड बहुत है, बट जो डायमंड्स है उसकी डिमांड कम होने के बावजूद भी उसका प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है डायमंड, इतना उसका यूज़ नहीं है, फिर भी उसका प्राइस जो है वो इतना ज़्यादा क्यों है, बट जो पानी जो जिसका लोगों के लिए काफ़ी यूज़ है उसका प्राइस इतना ज़्यादा कम है, है ना। सो फिर मार्शल ने इस चीज़ पर कंज्यूमर सरप्लस का जब कंसेप्ट दिया था तो उसने ये चीज़ यहाँ पे बताई कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना असल में उसका फ़र्क है। जो पानी है उससे हमको इतनी यूटिलिटी नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी पानी से हमारी कम है, यूटिलिटी नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। बट डायमंड्स की मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है। अगर हमको कोई डायमंड देता है तो हमको उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है ज़्यादा। पानी क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नॉर्मल है, हम सब लोग उस पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम है। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाटर इज़ लेस देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डायमंड। दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे वैल्यू जो डायमंड्स हैं वो ज़्यादा कीमती हैं, उनकी डिमांड कम होने के बावजूद भी, यूज़ कम होने के बावजूद भी, बट जो पानी है वो कम कीमती है उसका यूज़ ज़्यादा होने के बावजूद भी। अच्छा, आगे देखिए। इन एन इकॉनमी ऑफ टू इंडिविजुअल्स ए एंड बी एंड टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज अकर्स वेल। यस, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। अब देखिए यहाँ पे उसने प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज दोनों चीज़ें पूछी हैं ना, दोनों चीज़ें पूछी हैं, तो ये वाला तो आपका एक्सचेंज का आ गया। दिस इज़ फॉर प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ना, ये चीज़ जो है ये प्रोडक्शन को सेटिस्फाई कर रही है और ये चीज़ जो है ये कंजम्पशन को सेटिस्फाई कर रही है ना। स्लोप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व, है ना। यही कंडीशन है जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज की। सो द पॉइंट वेयर दिस, ठीक है, इसको आप पी एक्स एंड पी वाई के भी इक्वल कर सकते हो बिकॉज दिस इज़ द प्राइस लाइन। सॉरी, थोड़ी सी दोबारा बनाती हूँ। दिस इज़ योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दिस इज़ योर इनडिफरेंस कर्व एंड बीच में से जो लाइन निकल रही है दैट इज़ द प्राइस लाइन, है ना। सो दिस सेटिस्फाइड द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज इक्विलिब्रियम। आगे देखिए,
when income effect becomes stronger than substitution effect, the labor supply curve will be. कहते हैं जब इनकम इफेक्ट जो है वो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर बन जाए तो लेबर सप्लाई कर्व की शेप कैसी होगी. ये एक कंसेप्ट से है जो मेरी बुक में भी है और इससे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और मैंने आपको ये बहुत बार समझाया भी हुआ है. तो देखिए ये डायग्राम आपकी कुछ ऐसे बनती है, कुछ इस तरह से है ना. तो ये इस एक्सिस पर मैं ले लेती हूँ वेज रेट और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ऑर्स, ऑर्स जितने ऑर्स काम किया जा रहा है. सो यू कैन राइट ऑर्स वर्कड, जितने घंटे काम किया जा रहा है. मिनट, ये पेन नहीं ठीक. देयर इज अनदर पेन. यस दिस इज़ द पेन. सो पहले क्या होता है, जैसे जैसे वेजेस बढ़ती हैं तो वेजेस बढ़ने से लोग काम ज़्यादा करते हैं, बट जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो वो क्या करते हैं, वेजेस बढ़ने से काम करना कम कर देते हैं और काम करना कम करके वो अपने आराम को बढ़ा देते हैं, अपने लेयर को बढ़ा देते हैं. तो इस पॉइंट तक जो आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है वो ग्रेटर रहेगा इनकम इफेक्ट से. इस पॉइंट के बाद आपका इनकम इफेक्ट ग्रेटर हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से. तो उसने कहा कि जब इनकम इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से तो आपका लेबर कर्व बैकवर्ड बेंट हो जाता है. ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको समझाया हुआ है. हाँ, यू कैन से वेजेस बिकम गिफन टू लेयर, मतलब वेजेस जो हैं वो चीप हो जाती हैं थोड़ी और उनको लेयर उस टाइम ज़्यादा प्यारा लगता है वेजेस से भी, है ना. हाँ, इनकम इफेक्ट का यही मतलब है कि जब वेजेस बढ़ती हैं तो वो क्या करते हैं, अब बड़ी तनख्वाह हो गई है हमारी तो हम आराम करते हैं ज़िंदगी में, थोड़ा वेजेस बढ़ने से आराम पसंद करने लगते हैं और इससे वो डिस्करेज हो जाते हैं काम करने के लिए, है ना. सो दिस इज़ द इनकम इफेक्ट. और दूसरी तरफ जो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है उसमें ये होता है कि जब उनकी वेजेस बढ़ती हैं तो वो अपने घंटे भी बढ़ा देते हैं और सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं अपने लेयर को घंटों के लिए, यानी कि अपने लेयर को सेक्रीफाइस कर देते हैं घंटों के लिए. तो दिस इज़ अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, है ना. सो दैट्स द थिंग. आगे चलते हैं. The concept of supply curve is meaningless for the monopolist. Monopolists are price setters. It does not make reuse to ask what output they will produce at various prices. टेलीग्राम का लिंक सेंड, टेलीग्राम. ओके, मैंने दिखाऊंगी अभी टेलीग्राम चैनल, आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा. सो इसका सही जवाब ए है जी. मोनोपोलिस्ट के लिए जो सप्लाई कर्व का कंसेप्ट होता है वो बिल्कुल मीनिंगलेस होता है. जो मोनोपोलिस्ट होते हैं वो सप्लाई कर्व कंसीडर नहीं करते. क्यों? क्योंकि मोनोपोलिस्ट प्राइस सेटर्स होते हैं, वो खुद प्राइस सेट करते हैं. परफेक्ट कंपटीशन की तरह वो नहीं होते कि जस्ट देयर प्राइस टेकर्स. परफेक्ट कंपटीशन में फॉर्म्स प्राइस टेकर्स होते हैं बट इसमें प्राइस मेकर्स होते हैं या प्राइस सेटर्स होते हैं. सो उनका कोई ऐसा नहीं होता कि उनको इतने प्राइस पर इतना आउटपुट बेचना, कोई फिक्स्ड कॉम्बिनेशन नहीं होता. अपनी मर्जी से प्राइस सेट करते हैं. दैट्स द रीज़न कि उनका कोई सप्लाई कब एग्जिस्ट नहीं करता. सो ये ठीक है. आगे देखिए. हाँ, ये है टेलीग्राम चैनल. फ्री क्लासेस के सभी अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं. पूरा कोर्स लेने के लिए प्लस पर आ सकते हैं, प्लस पर आप पढ़ सकते हैं. ठीक है जी, सिमर 10 कोड है, इसको अप्लाई करके आपको डिस्काउंट जो है वो भी मिल जाएगा. अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं.
प्रीडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी इज डिजाइंड टू, एडमिट कार्ड अभी आ जाएंगे, दो तीन दिन पहले आएंगे, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, जैसे ही आएंगे आई विल इन्फॉर्म यू. प्रीडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी इज डिजाइंड टू, अच्छा प्रीडेटरी प्राइसिंग, हाँ ड्राइव. अब इस प्राइसिंग पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं ओलिगोपोलिस्ट, ओलिगोपोलिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं. ओलिगोपोलिस्ट एक तो वैसे प्रीडेटरी प्राइसिंग लीगल नहीं है, ये इलीगल मानी जाती है. तो इसमें क्या होता है कि फर्म्स ना शुरुआत में बड़ा ही कम प्राइस रख देते हैं अपने प्रोडक्ट का, लॉस में जान चाहे लॉस ना उनको हो जाए तब भी कम रख देते हैं, सिर्फ अपने कंप्यूटर्स को भगाने के लिए कि कंप्यूटर्स मैदान छोड़ के भाग जाएं, है ना. उसके लिए वो इतना कम प्राइस को रख देते हैं कि ग्राहक किसी और के पास जाता ही नहीं है, ग्राहक सिर्फ उन्हीं से माल लेता है और बाकी जो फर्म्स हैं वो कंपटीशन से बाहर निकल जाते हैं. बट ये चीज़ सिर्फ शॉर्ट रन में होती है. देखिए प्रीडेटरी प्राइसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया. प्राइजेज आर सेट टू ए वेरी लो लेवल विद द एम ऑफ एलिमिनेटिंग कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन को एलिमिनेट करने के लिए प्राइजेज कम रखे जाते हैं. इट्स लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोनोपली, मोनोपली बना लेते हैं ऑब्वियसली, कोई किसी और से कोई क्यों प्रोडक्ट खरीदेगा अगर उनको सबसे सबसे सस्ते पर मिल रहा है ना. बट याद रखिए जो प्रीडेटरी प्राइसिंग होती है स्ट्रेटेजी, जो सिर्फ शॉर्ट टर्म में कस्टमर्स के लिए फ़ायदेमंद होती है, लॉन्ग टर्म में जब वो फर्म्स अपने प्राइस को एकदम से बढ़ा देते हैं तो कस्टमर्स को लॉस होता है ना. यस, सो आगे देखिए. एन इंडस्ट्री हुज लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड, कहता है इंडस्ट्री जिसका लॉन्ग रन सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल होगा वो इंडस्ट्री कैसी होगी. तो ये तीन तरह के होते हैं, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, एक जो लॉन्ग रन होता है इसके तीन केसेस होते हैं लॉन्ग रन. ये मैंने आपको करवाया हुआ है ना क्वेश्चन, याद करो परफेक्ट कंपटीशन जो मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो सीरीज चल रही है ना उसमें मैंने आपको ये कंसेप्ट करवाया था लॉन्ग रन सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन. तीन तरह की कंडीशंस, कोई है लर्नर मेरा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली सीरीज देखता है रेगुलर, उसमें ये करवाया था तीन कंडीशंस होती हैं, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री एंड कॉन्स्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री. तीनों केसेज में अलग अलग लॉन्ग रन सप्लाई कर्व बनते हैं कॉन्स्टेंट, और उसकी मैंने शेप्स भी आपको दिखाई थी उस क्लास में डायग्रामेटिकली ये चीज़. तो कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में इस तरह हॉरिजॉन्टल शेप होती है. तो अभी आप देखेंगे इंक्रीजिंग कॉस्ट में क्या होती है और डिक्रीजिंग कॉस्ट में क्या शेप होती है, ये खुद देखेंगे क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो आप वो वीडियो नहीं देखेंगे, ठीक है. अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ईच कंज्यूमर द रिजर्वेशन प्राइस इज कॉल्ड, अगर हर कंज्यूमर से रिजर्वेशन प्राइस चार्ज किया जाए तो ये किस तरह की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगी. हाँ आज मैंने थोड़ी जल्दी शुरू कर दिया था, मैं यही देखना चाह रही थी कि क्या लर्नर्स अगर मैं मतलब जल्दी शुरू कर देती तो आते हैं, बट नहीं, लर्नर्स जो हैं वो फिक्स टाइम 6:15-6:30 के बीच में ही आते हैं, पहले स्टार्ट करने से लर्नर्स नहीं आए. तो मुझे मतलब मेरा वही टाइम है 6:15 के अप्रॉक्सीमेट. इसका सही जवाब है ये वाला जी, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ये एक ऐसी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है जिसमें एक अजम्पशन ली जाती है, बड़ी ही अजीब सी अजम्पशन, कि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो जानते होते हैं कि अगला बंदा जो है वो कितना विलिंग है पे करने के लिए, बट असल में तो प्रोड्यूसर्स ये चीज़ जानते नहीं है. बट अजम्पशन है इसमें कि प्रोड्यूसर्स ये जानते हैं कि अगला पर्सन जो कंज्यूमर है वो कितना विलिंग है पे करने के लिए, और जितना विलिंग है वो पे करने के लिए उससे उतना ही प्राइस चार्ज कर लिया जाता है. दैट मीन्स बिल्कुल भी कंज्यूमर सरप्लस नहीं बचता. मान लीजिए एक कस्टमर मार्केट में आता है और वो एक चीज़ के 10 रुपये देने के लिए विलिंग होता है, 10 रुपये, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उससे 10 रुपये ही चार्ज करेंगे. एक थोड़ा अमीर कस्टमर आया वो इस प्रोडक्ट के लिए 50 रुपये देने के लिए विलिंग है, तो प्रोड्यूसर्स उससे 50 रुपये ही चार्ज करेंगे, यानी कि बिल्कुल भी कंज्यूमर सरप्लस बचता ही नहीं है. जितना कंज्यूमर्स विलिंग होते हैं पे करने के लिए उतना वो एक्चुअल पे कर देते हैं. इसको रिजर्वेशन प्राइस इसीलिए बोला जाता है
क्योंकि इसमें सारे सारा जो कंज्यूमर सरप्लस है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है प्रोड्यूसर्स के द्वारा, कुछ भी कंज्यूमर सरप्लस इसमें नहीं बचता, ठीक है। सो इट इज़ फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कल नहीं क्लास लगी थी, ऑप्शंस के बारे में बताऊं, जो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है ना, नहीं कल वाली क्लास नहीं हुई थी, जो ये होती है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसमें क्या होता है, इसकी ये रियल लाइफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग पर्टिकुलर कंडीशंस में अलग अलग प्राइजेस चार्ज किए जाते हैं। जैसे कि अगर बिजली की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जो है घर के यूज़ के लिए उसके अलग बिल आते हैं, और अगर इंडस्ट्रियल यूज़ हो रहा है तो उसका अलग बिल आता है ना। दैट इज़ द थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसी तरह से डंपिंग इज़ द बेस्ट एग्जांपल। फॉरेन में प्रोडक्ट हम सस्ता बेच रहे हैं और इंडियन मार्केट में वही प्रोडक्ट महंगा बेच रहे हैं, ठीक है। यू कैन से अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग प्राइस चार्ज करना। इंटर टेम्परल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसमें टाइम की बात आ जाती है, ओवर टाइम, मतलब ये प्राइस चेंज होता रहता है। जैसे सबसे पहले हमने कम प्राइस चार्ज करना है ना, डिफरेंट प्राइस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, दैट इज पीक लोड प्राइसिंग। वो है जिसमें जब किसी चीज़ का यूज़ पीक पर होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है किसी चीज़ का, है ना, उस टाइम उस चीज़ का प्राइस बढ़ा देना, और जब उसका कम यूज़ होता है तो उसका प्राइस कम कर देना, ऐसा। नहीं आज संडे है ना, आज प्लस क्लास नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज सेल्फ टर्मिनेटिंग एंड सेल्फ फाइनेंसिंग। कौन से कंपोनेंट्स हैं जो सेल्फ टर्मिनेटिंग है और सेल्फ फाइनेंसिंग है। जी सो ये आएगा ड्यूरेबल। हाँ बी वाला आंसर बिल्कुल ठीक है जी, जिसने भी इसका बी जवाब दिया है। जो ड्यूरेबल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, जैसे आपने कोई गाड़ी खरीदी है, कोई गैजेट खरीदा है, कोई लैपटॉप खरीदा है, कोई महंगी चीज़ खरीदी है, ड्यूरेबल है मतलब जो पेरिशेबल नहीं है। एक गाड़ी खरीद रहे हैं वो सालों चलेगी, लैपटॉप खरीद रहे हैं सालों चलेंगे, है ना, ड्यूरेबल गुड्स जो महंगे भी होते हैं। सो जो ड्यूरेबल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो सेल्फ फाइनेंसिंग होता है, बिल्कुल सेल्फ टर्मिनेटिंग होता है, एग्जैक्टली। सो दैट इज़ बी। नॉन ड्यूरेबल में तो पेरिशेबल गुड्स आ जाएंगे ना, पेरिशेबल गुड्स, वो सेल्फ फाइनेंसिंग थोड़ी ना होते हैं। जो आप डेली चीज़ें लेते हैं, रोटी सब्जी, ये आते हैं नॉन ड्यूरेबल में, ये सेल्फ फाइनेंसिंग नहीं होते। गाड़ी खरीदते हो, दैट इज सेल्फ फाइनेंसिंग, सेल्फ टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगला देखिए, अरेंज ऑल द फोर कंसेप्ट्स ऑफ मनी सप्लाई M1, M2, M3, M4 इन द असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ देयर लिक्विडिटी। सो इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में बदलना है इनकी लिक्विडिटी के आधार पे। बी हाँ, तो देखिए जो सबसे कम डी आएगा ना, असेंडिंग ऑर्डर पूछा उसने, बी थोड़ी ना आएगा, उसने असेंडिंग ऑर्डर पूछा है। असेंडिंग ऑर्डर जिसमें सबसे कम लिक्विडिटी है, तो M4 में सबसे कम, लीस्ट लिक्विड होता है ये, लीस्ट लिक्विड, सबसे कम लिक्विड होता है। M1 जो है ये सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, मोस्ट लिक्विड, गलती कर दी ना आपने, क्यों, क्योंकि M1 में करंसी होती है, और करंसी तो हम अपने हाथों में ही रखते हैं, करंसी तो हम अपने हाथों में ही रखते हैं, और सबसे कम लिक्विड M4 जब हम अपने हाथ में, अब लिक्विड क्या होता है, लिक्विडिटी, जो पैसा हम अपने हाथ में रख रहे हैं वो लिक्विड है। अगर हम बैंकों में डिपॉजिट करवा रहे हैं कम लिक्विड बन रहा है, FD करवा रहे हैं उससे भी कम लिक्विड बन रहा है ना। सो इस तरह लिक्विडिटी कम होती जाती है जैसे ही पैसा बैंकों में अकाउंटों में जाने लग जाता है। तो ये आपको सारे मेजर्स ऑलरेडी बहुत बार पढ़ाए हुए हैं, विल नॉट रिपीट इट अगेन एंड अगेन, है ना।
नहीं कल क्लास नहीं थी। सविता कुमारी जी, कौन सा इकोनोमेट्रिक्स का क्लास, कैन यू टेल मी? आप दोबारा से वीडियो को देखिएगा और थोड़ा स्लो करके देखिएगा, अगर आपको फास्ट लग रही है ना तो आप 0.75 की स्पीड पे करके देखिएगा। यूट्यूब पर तो ये फंक्शन है, स्पीड आप कम कर सकते हैं, है ना। चलो, हु अमंग अस द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इम्पार्टेड मनी डिमांड ऑफ ए पोर्टफोलियो थ्योरी अप्रोच? पोर्टफोलियो थ्योरी अप्रोच किसकी है? हाँ, तो इसका सही जवाब है बी, 3 और 4, यानी टॉबिन एंड फ्रीडमैन, इनकी पोर्टफोलियो थ्योरी है, हमने पढ़ी हुई है बहुत अच्छे से। मैंने आपको बॉमल ट्यूबी टॉबिन की थ्योरीज बड़े अच्छे से समझाई हुई हैं एक्सप्लेनेशन करके, है ना। केन्स की डिमांड फॉर मनी है, बॉमल की डिमांड फॉर मनी, टॉबिन एंड फ्रीडमैन ने पोर्टफोलियोज की बात की है। सो अगर किसी ने नहीं देखी तो डिमांड फॉर मनी थ्योरीज पर मेरी अलग से क्लास है, यू कैन वॉच दैट क्लास, रिलैक्स होके देखिएगा कॉपी पेन हाथ में पकड़कर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको इसमें मिलेगी। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फिलिप्स कर्व? इनमें से फिलिप्स कर्व का फीचर कौन सा नहीं है? बड़े ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, इसमें लर्नर्स गलती कर देते हैं। It is 5-1. फिलिप्स कर्व पूछा, जब उसने फिलिप्स कर्व की बात की है ना, जब उसने फिलिप्स कर्व की बात की है, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व की बात नहीं की, ठीक है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन स्टेटिक रहेंगी, अडेप्टिव नहीं रहेंगी। ही इज़ नॉट आस्किंग अबाउट लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट व्हेन मनी वेजेस स्टेबलाइजेज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.5% बता चुकी हूँ आपको फिलिप्स कर्व में रहता है, फिलिप्स कर्व के इर्द गिर्द एक लूप बनता है, ये चीज़ भी मैंने आपको बहुत बार समझाई है, इम्प्लीकेशंस ऑफ फिलिप्स कर्व, देयर इज़ अ लूप अराउंड द फिलिप्स कर्व, इम्प्लीकेशंस ऑफ फिलिप्स कर्व देखिएगा, अगर नहीं पढ़ा आपने ऐसे सर्च करके इम्प्लीकेशंस ऑफ फिलिप्स कर्व, उसमें आएगा कि फिलिप्स कर्व के इर्द गिर्द लूप बनता है और वो क्या डिपिक्ट करता है। इसमें फर्स्ट वाला आपका सही है, यानी कि ये फिलिप्स कर्व का फीचर नहीं है। अब आप पूछोगे कि नहीं इसमें तो अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इसी तरह का ये क्वेश्चन 2014 में आया था, इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको 2018 में भी पूछा गया था, उसमें पूछा गया था फिलिप्स कर्व की एक्सपेक्टेशंस क्या होती, अगर मैक्सिमम बच्चे अडैप्टिव लिख के आए थे, नहीं, फिलिप्स कर्व की एक्सपेक्टेशंस स्टैटिक होती हैं, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व की एक्सपेक्टेशंस अडैप्टिव होती हैं। फ्रीडमैन ने कहा है कि शॉर्ट रन में फिलिप्स कर्व जो है वो उसकी एक्सपेक्टेशन स्टैटिक ही रहेंगी, शॉर्ट रन में इनवर्स रिलेशन ही होगा, बट लॉन्ग रन में जो रिलेशन होता है वो वर्टिकल बनता है, यानी कि शॉर्ट रन में एक्सपेक्टेशन जो, अगर वो नॉर्मली फिलिप्स कर्व की बात कर रहे हैं, यानी कि वो शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसने लॉन्ग रन वर्ड यूज नहीं किया तो, अगर उसने लिखा होता लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व तो फिर आपका ये वाला गलत होना था, स्टैटिक वाला, ठीक है। अडैप्टिव बिल्कुल होती हैं सोनाली जी, अडैप्टिव भी होती हैं और रैशनल भी होती हैं एक केस में, बट वो लॉन्ग रन वाले केसेस चले जाते हैं। बिल्कुल, आरबीआई के न्यू रेट्स आपको याद रखने हैं। ये पता क्या है, वो कहता है कि जब मनी वेज स्टेबलाइज कर जाती है, ये देखिए मान लीजिए मनी वेज जो है एक जगह पे स्टेबलाइज हो गई, कहता है जब मनी वेज स्टेबलाइज हो जाती है एक जगह पर तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट उस टाइम पे कितना होता है, उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.5% होता है, ये चीज़ फिलिप्स कर्व में कही गई है। तो मैं इसी के साथ जो आज की क्लास है इसको ख़त्म कर रही हूँ इन क्वेश्चंस के साथ, बाकी के क्वेश्चंस हम कल की क्लास में करेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, अदरवाइज आई विल एंड द सेशन। सुबह मिलेंगे 9 बजे लेट्स क्रैक वाले चैनल पर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड करने के लिए, ठीक है। ओके जी, सो थैंक यू। मैराथन 6 तारीख को होगा आपका 5 से 7 बजे तक, और थेरेटिकल होगा वो, ठीक है। चलो जी, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।